Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. साध्वी प्राची अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। इस बीच उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन हमारे देश की सेना और बांग्लादेश के हिंदुओं को दे देनी चाहिए जिनके ऊपर वहां पर अत्याचार हो रहे हैं। दरअसल साध्वी प्राची गुरुवार को 2013 नगला मदोड़ महापंचायत मामले में मुजफ्फरनगर कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंची थी। सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2013 नगला मदोड़ महापंचायत का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में कोर्ट के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। इसके बाद मीडिया ने उनसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में केवल हिंदुओं के मंदिरों को नहीं तोड़ा जा रहा बल्कि उन्हें बेरहमी से मारा जा रहा है। साथ ही हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार सरेआम किया जा रहा है। बांग्लादेश के हालात बहुत बुरे हैं। शेख हसीना को हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को देखकर मेरा दिल दहल गया है। मैं बहुत विचलित हूँ, साथ ही मुझे यह सब देखकर शर्म आ रही है। इस दौरान साध्वी प्राची ने क्या कहा सुनिए। जो महापंचायत हुई थी 2013 में, वो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं कोर्ट में फंस गई। जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनके मंदिरों को भी मंदिरों में आग लगाई जाए, घरों में आग लगाई जाए, उसको लेकर क्या कहना है आपका? जिस तरह से वहाँ चल रहा है बांग्लादेश में केवल हिंदुओं के मंदिरों को नहीं तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों में जो मूर्तियां रखी है उनको तोड़ा जा रहा है, बेरहमी से हिंदुओं को मारा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार सरेआम हो रहे हैं। बांग्लादेश के जो हालात है, 56 देश ऐसे हसीना को हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी है। अमानवीय अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहे बांग्लादेश के अंदर, मेरा दिल दहल गया। मैं बहुत विचलित हूँ उस घटना को देख करके और मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर जो घटना घट रही है हिंदुओं के ऊपर, इस समय वो भाईचारे वाला गैंग चुप्पी साध। कुछ नेताओं के बयान आए हैं, वो कह रहे हैं जिस तरह से बांग्लादेश में रहा हिंदुस्तान में भी हो सकता है, उसको लेकर क्या कहना है? जहां जहां संख्या कट्टरवादियों की बढ़ रही है वहां वहां यही हालात होने हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर आज संसद में चर्चा चल रही है, उसके लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वक्फ बोर्ड के जो आज फैसला आने वाला है, मैं समझती हूँ वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो हिंदुस्तान की सेना को मिलनी चाहिए। बांग्लादेश के जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन बांग्लादेश के हिंदुओं को मिलनी चाहिए। वहां के जो इतना अत्याचार अनाचार और दुराचार बेटियों के साथ हो रहा है, नन्हे नन्हे दूध पीते बच्चों को जो उठा उठक करके पटक रहे हैं, वो अमानवीय घटना को सहन नहीं हो पा रहा। यूपी तक के लिए मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट।